तो आज हम बात करेंगे स्कारलेट विच के बारे में। तो मेरा नाम है अशरफ, आप देख रहे हैं एमसीयू मास्टर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आप लोगों को याद ही होगा कि कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को ये बताया था कि स्कारलेट विच पे हमें एक सोलो प्रोजेक्ट देखने मिलेगी एमसीयू के फ्यूचर में। तो रिसेंटली रूमर ये मुझे मिला है कि स्कारलेट विच का जो सोलो प्रोजेक्ट आने वाला है, जो कि सीरीज होगा या फिर मूवी, वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। जो भी होगा उसकी फिल्मिंग शुरू होगी 2023 के सितंबर में, यानी कि नेक्स्ट ईयर में। और जो भी है सीरीज़ या फिर मूवी, वो रिलीज़ होगी 2024 में। तो आई होप कि आप लोग खुशी होगे, यानी कि जितने भी स्कारलेट विच यानी कि वांडा और एलिजाबेथ ओल्सन के फ़ैन हैं, जो कि मैं भी हूँ, तो मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हुआ। वैसे तो मैं खुशी था क्योंकि मुझे पहले से पता था ये सब होने वाला है, जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था लाइव वगैरह में भी। और बहुत से लोग ये भी सोच रहे हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में वांडा मर जाएगी। तो देखो, मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि अगर उसे मारते हैं तो रिटर्न लाया जाएगा, तो टेंशन की बात नहीं है। तो जो लोग ये सोच रहे थे कि डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में वांडा मर जाएगी, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो काम की होगी मेरे हिसाब से। कॉज हमें स्कारलेट विच इन फ्यूचर और दिखने वाली है, उसकी सोलो प्रोजेक्ट आने वाली है, वो और भी प्रोजेक्ट्स में दिखने वाली है। तो तबाही मचाने वाली है स्कारलेट विच यानी कि एलिजाबेथ ओल्सन। तो आई होप कि आप लोग ये न्यूज़ सुन के खुशी होगे। फिलहाल तो ये रूमर है फिल्मिंग को लेके, बट मैं आप लोगों को गारंटी दे सकता हूँ कि इन फ्यूचर यानी कि आने वाले सालों में या फिर इसी साल में अनाउंसमेंट हो जाएगा कि स्कारलेट विच पे एक सोलो प्रोजेक्ट हमें देखने मिलने वाली है एमसीयू में। तो देखते हैं क्या होता है। आप लोग इस वीडियो को लाइक करो, और कोई न्यू बंदा है बंदी वो चैनल को शेयर सब्सक्राइब करो। तो मैं मिलता हूँ वैसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन चैनल को शेयर करूँ।